अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप तब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान के आज न्यू रेट्स अपडेट हो गए हैं, जो कि आज से ही इंप्लीमेंट है। जिन्होंने कौमी बचत में इन्वेस्टमेंट की हुई है या करना चाहते हैं, ये वीडियो उन सब के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनके रेट्स कितने तब्दील हुए हैं, कितने कम हुए हैं और किस प्रोडक्ट्स में इसके रेट्स में इजाफा हुआ है। बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। रिसेंटली इसी महीने के स्टार्ट में, यानी कि 4 जून 2024 को भी इसके रेट्स अपडेट हुए थे, और अभी महीना भी नहीं गुजरा है, नेशनल सेविंग्स के रेट्स दोबारा से तब्दील हो चुके हुए हैं। इन तमाम तर रेट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। इसका मैं बता दूं कि इसके रेट में कमी आई है, और ये जैसे कि आप जानते हैं कि 3 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, और इसमें पहले 2.5 साल तक हर 6 महीने के बाद आपको 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 7,800 रुपये 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, जिसका रेट है 15.6%। और आखिरी जो 6 महीने होंगे उसमें आपको 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 16.6% के अकॉर्डिंगली 8,300 रुपये मिलेंगे, ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, प्रॉफिट पेड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। इसके अलावा इसमें ज़कात और विद होल्डिंग टैक्स दोनों ही एप्लीकेबल हैं। जो फाइलर होगा उसका 15% प्रॉफिट के ऊपर कट किया जाएगा, जो नॉन फाइलर होगा उसका 30% कट किया जाएगा, और यकम रमज़ान को 2.5% के अकॉर्डिंगली ज़कात डिडक्ट होगी। नेक्स्ट है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है कि ये क्या होते हैं, और इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन भी करके बताई हुई है। और जैसा कि इसमें आगे लिखा हुआ है कि इसमें कोई चेंज नहीं आया है, जो 4 जून 2024 को जो इसके रेट थे वही रेट्स हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। नेक्स्ट है जी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, जो 4 जून 2024 को रेट थे वही सेम रेट हैं, यानी कि 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको 14.64% के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मिलेगा, जिस हर महीने प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो 1,220 रुपये होगा। इसमें भी विद होल्डिंग टैक्स जो है एप्लीकेबल है, और फाइलर को 15%, नॉन फाइलर को 30% कट होगा। नेक्स्ट है जी महबूब सेविंग सर्टिफिकेट्स, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शोदाज फैमिली वेलफेयर अकाउंट। इन तीनों में भी कोई तब्दीली नहीं आई है। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको हर महीने 1,280 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, जिसका रेट है 15.36%, और इन तीनों पर ही विद होल्डिंग टैक्स और ज़कात एप्लीकेबल नहीं है। महबूब सेविंग सर्टिफिकेट पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, बल्कि मैं आपको नेशनल सेविंग्स की प्लेलिस्ट का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आपने जिस भी प्रोडक्ट के बारे में चेक करना होगा डिटेल में, आप वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स बेसिकली होते क्या हैं, कि अगर कोई बंदा अपने शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि बहुत लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि 3 महीने या 6 महीने या 1 साल में के लिए वो कोई इन्वेस्टमेंट कर ले, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट नहायत ही मुफीद हैं। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इसका जो रेट है वो मैं आपको गाइड कर दूँ कि पहले अगर आप 3 महीने और 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके रेट में कोई तब्दीली नहीं आई है। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको 5,130 रुपये आपको 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 6 महीने की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 महीने का प्रॉफिट 10,120 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो है रेट कम हो चुका हुआ है। 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको 19,340 रुपये मिलेंगे। के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो एप्लीकेबल है। ज़कात इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ज़कात एप्लीकेबल होती है 1 साल से ज़्यादा के टेन्योर के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं उसके ऊपर ज़कात एप्लीकेबल होती है। ये शॉर्ट टर्म सेविंग्स प्लान है, यानी कि 1 साल के अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर ज़कात एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, विद होल्डिंग टैक्स इसके ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि 15% और 30% फाइलर और नॉन फाइलर के लिए। नेक्स्ट है जी सेविंग अकाउंट। इनके सेविंग अकाउंट का रेट भी सेम ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। 20.50% के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स और ज़कात दोनों एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट है जी सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, सीटा जिसे कहा जाता है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, सर्वा प्रोडक्ट्स के ऊपर आप वो चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट आपको मैच्योरिटी पर मिलता है, यानी कि 1 साल के बाद ही मिलता है। इसका जो रेट है वो पहले की निस्बत कम हो गया है। 9.90% के अकॉर्डिंगली आपको 1 लाख के अमाउंट के ऊपर 18,900 रुपये में 1 साल का प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाय एनुअल प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि साल में 2 दफ़ा हर 6 महीने के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। रेट इसका जो है वो जो 4 जून 2024
में रेट अपडेट हुए थे उसके अकॉर्डिंगली सेम ही है, यानी कि इसका 15.16% है। 1 लाख के अमाउंट के ऊपर आपको 6 महीने का जो प्रॉफिट है वो 7,580 मिलेगा, ठीक है। और 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका प्रॉफिट आपको हर महीने दिया जाएगा, जिसका रेट है तकरीबन 14.52%। ये पहले की नस्बत कम हो गया है, और 1 लाख के अमाउंट के ऊपर आपको हर महीने 1,210 रुपये मिलेंगे। इसके ऊपर ज़कात और विद होल्डिंग टैक्स दोनों ही जो है वो एप्लीकेबल हैं, फाइलर को 15%, नॉन फाइलर को 30%। नेक्स्ट है जी सर्वर इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो अपलोडेड है, आप वो चेक कर सकते हैं। इसका जो रेट है 20.50% है, और हर महीने आपको जो है वो मुनाफा दिया जाता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके ऊपर भी जो है वो विद होल्डिंग टैक्स और ज़कात एप्लीकेबल है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और वीडियो आपसे रिलेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।